ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले स्वाद बिहार का। देखिए, पूर्णिया जाना एक पारिवारिक और कहा जाए व्यक्तिगत हमारा मामला है। पप्पू यादव जी के पिताजी का श्राद्ध है। लंबे समय बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और लालू परिवार के बीच बड़ी दूरियां कमती दिख रही हैं। पाटलिपुत्र सांसद मीसा भारती रविवार को सुबह पूर्णिया के लिए रवाना हुई। वो पप्पू यादव के पिता के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पप्पू यादव से उनके पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्ते हैं। देखिए, पूर्णिया जाना एक पारिवारिक और कहा जाए व्यक्तिगत हमारा मामला है। पप्पू यादव जी के पिताजी का श्राद्ध है। वहीं इस दौरान मीसा भारती ने बिहार में बाढ़ और राजनीतिक घटनाक्रम पर खूब बोली। बिहार में जिस तरीके से बाढ़ के हालात है दीदी, क्या कहेंगे? कई जिले डूब रहे हैं। देखिए, अभी टेलीविजन के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा कि जो कोसी का बराज है उसके सारे गेट खोल दिए गए हैं और पानी का स्तर काफी ऊपर है। और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के जितने भी मंत्री और जो संबंधित पदाधिकारी हैं, इसका मतलब पूरी तरह से तैयार बैठे होंगे कि अगर कोई इस तरह की बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो लोग। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि अभी पाटलिपुत्रा का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, वहां से मैं एमपी हूँ। और बहुत कम छोटी सी एक मतलब बाढ़ आई थी जहाँ पे मतलब दियारा का जो मनेर विधानसभा का, दानापुर का दियारा पूरा डूबा हुआ था और मुख्यमंत्री से लेकर के संबंधित जितने भी पदाधिकारी है उनके कान पे जू तक नहीं रहेगी। वहाँ पे बाढ़ घोषित तक नहीं किया गया। जिस तरह से भी हम लोगों ने वहाँ के पदाधिकारियों से थोड़ी बहुत जो बात करके जो मदद हो पाया वो हम लोगों को तक पहुँचा पाए हैं। तो सरकार को संवेदनहीन नहीं रहना है। मतलब उनको ट्वीट किया है बिहार और बलात्कार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार का आप अपमान कर रहे हैं और सत्ता संरक्षित अपराध सीएम हाउस से होता था आपके वक्त में, क्या कहेंगे उनको? देखिए, मैं बार बार यही हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग या विपक्ष के जितने भी नेता लोग हैं यही आरोप लगाते हैं कि घटना आज घटती है और चर्चा हम 20 साल 22 साल 25 साल पहले की करते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना आज घटी है। सरकार के मुख्यमंत्री और सरकार का नेतृत्व ये लोग करते हैं जो लोग इस तरह की बात करते हैं, तो जवाब देना पड़ेगा। मैंने उस दिन भी कहा था, मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है प्रशासन पे। आपको लगता है कि बिहार में एक भी मीटिंग जल संसाधन विभाग की नहीं हो रही है? नीतीश कुमार कोई समीक्षा बैठक नहीं कर रहे हैं? कोसी बराज की ओर जितना पानी आ रहा है, देखिए जिस तरह से आपने देखा लगातार जो इस तरह से पुल गिरते जा रहे हैं तो उसी में लगता है सरकार व्यस्त है। एक के बाद एक करीब 25 से 30 पुल आपने देखा कि गिर गए हैं, तो अभी उसी को नहीं लोग संभाल पा रहे हैं। अभी एक भी बैठक नहीं होगी तो अब मैं कैसे कहूँ? मैं सरकार में हूँ ना, हम लोग उसमें है, तो ये तो सरकार को सोचनी है ना। बार बार हम यही चर्चा कर रहे हैं, सरकार को सोचनी है कि वो बैठक करेंगे या कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी मीडिया को और बिहार के जनता को नहीं मिल रही है। तो हो क्या रहा है मीडिया भी जानना चाह रही है, हम लोग भी पक्ष के नेता भी जानना चाह रहे हैं और बिहार की जनता भी जानना चाह रही है। आज पूर्णिया जा रहे हैं आप, क्या कार्यक्रम है वहाँ आपका? देखिए, पूर्णिया जाना एक पारिवारिक और कहा जाए व्यक्तिगत हमारा मामला है। पप्पू यादव जी के पिताजी का श्राद्ध है, उसमें शामिल होने जा रहे थे। जिंदाबाद। आपको बता दें कि मीसा भारती लालू परिवार की पहली सदस्य हैं जो पप्पू यादव के पिता के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची हैं। पटना से आदित्य वैभव की रिपोर्ट, बिहार तक।